अगर आप दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो ये खबर आपको सुननी और देखनी बहुत ही जरूरी है। मीत नगर संबोली हाल पिछले एक साल से शराबियों का परमानेंट अड्डा बना हुआ था। यहाँ एंटी सोशल एलिमेंट सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक रेलवे ट्रैक पर बैठकर शराब पीते थे। शराब का ठेका चलाने वाले रेलवे ट्रैक पर ही शराब परोसा करते थे। यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स काफी परेशान थे। रात को यही लोग यहाँ से होकर गुजरने वालों के साथ लूट और झपटमारी करते थे। अब इस इलाके को पुलिस ने शराबियों से मुक्त करा दिया है। रेजिडेंट्स ने कई बार इसकी शिकायत रेलवे और दिल्ली पुलिस से की थी। यहाँ बैठकर शराब पीने वालों की तादाद घटने के बजाय बढ़ती जा रही थी। अमर कॉलोनी निवासी अजीत कुमार ने बताया कि सुबह से देर रात तक यहां पुलिस के जवान तैनात रहे। इसी वजह से संबोली, मंडोली, मीत नगर और गोकुलपुरी के रेजिडेंट्स काफी राहत महसूस कर रहे हैं। मीत नगर संबोली हाल्ट काफी दिनों से बनकर तैयार हैं, लेकिन कुछ कागजी अड़चनों की वजह से यहां ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से यह हाल्ट शराबियों और एंटी सोशल एलिमेंट्स का अड्डा बन गया था। यहाँ शराब का ठेका चलाने वाले रेलवे ट्रैक पर ही शराब उपलब्ध करा रहे थे। यहाँ टिकट घर बनना है, वहाँ पर शराबी शराब पीते थे, जुआ खेलते थे। शराब पीने और पिलाने का सिलसिला सुबह 8 बजे रात 11 बजे तक बिना रोक टोक के चल रहा था। पुलिस के एक्शन में आने के बाद अब लोग राहत महसूस कर रहे हैं। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट अतुल कुमार ठाकुर ने इस विषय पर कहा कि शराबियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। बीट कांस्टेबल को यहां देर रात तक निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहां बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको खोज खबर की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।